को निश्चित रूप से घोषणा करना चाहिए कि आप हिंदू नहीं हो, शर्मा के आगे कुछ और लगा लीजिए, चल जाएगा। माननीय हर्षवर्धन जी को आपने पत्र लिख के भेजा, माननीय हर्षवर्धन जी को हमारे बयान से संबंधित कि मैं गौमूत्र अर्क लेती हूँ, मुझे कोरोना नहीं हुआ है, तो ये सत्य है। अरे लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ पीसी शर्मा जी कि आपको, आप डिपार्टमेंट ही भूल गए, आपको इतना भी आभास नहीं है कि हम किसको क्या भेज रहे हैं। गौमूत्र की शीशी आप भेजिए, गौमूत्र भर करके, और पत्र भी लिखिए, पत्र नहीं पूरा एक ग्रंथ लिख दीजिए और भेजिए आयुष डिपार्टमेंट को। अगर उसमें थोड़ी सी आपने कुछ अच्छी बात लिख दी हो तो वो भी उसको स्वीकार करेगा, लेकिन आपने डिपार्टमेंट गलत चुन लिया, आपको इतना आभास होना चाहिए। पीसी शर्मा जी, हम आपको खोल रहे हैं, आपके दिमाग के कपाट खोल रहे हैं कि मैं सन्यासी हूँ और मैं अपने अस्तित्व में हूँ और मैं भारत के अस्तित्व में जीती हूँ। मैं भारत के मूलभूत जो हमारे मानदंड हैं, गाय, गौमाता, गीता और गंगा, इन सब में मैं जीती हूँ। धर्मशास्त्र, धर्म धरा, धन धरोहर, धर्म ध्वज और धर्म गुरु को मैं मानती हूँ, उसके लिए जीती हूँ। आपको अपमान करने का कोई अधिकार नहीं है, और अगर आपने इस प्रकार से हमारे मानदंडों का अपमान किया तो आपको निश्चित रूप से घोषणा करना चाहिए कि आप हिंदू नहीं हो, शर्मा के आगे कुछ और लगा लीजिए, चल जाएगा। दीदी आप भोपाल 1.25 करोड़ पौधों का जो मैं रोपण करने वाली हूँ, वायु की शुद्धता के लिए और प्राण वायु प्राप्त करने के लिए, यानी कि ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए हम दीर्घजीवी पौधे लगा